मैम आपको पता है हमने आपको गाकर क्यों बुलाया? हम आपको हाँ कह के भी बुला सकते थे कि मैम आ जाइए। हाँ, exactly, I was wondering कि आप लोग क्यों गा रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम लोग बच्चों से थोड़ा अच्छा गाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इस साल के जो हमारे बच्चे हैं वो तुम लोगों को भी पता है और हमें भी अच्छे से पता है। कल ऑडिशन में देख चुकी हूँ, ओ माई गॉड जो टैलेंट आया गाइस। बाप रे बाप यार, मजा आ गया। So, captains, yes, ma'am. Day two शुरू करें। पहला कौन आ रहा है? अगला बच्चा आने वाला है मैम। वो बहुत कम बोलता है, पूरे रास्ते हम लोग चुप ही आए। उसने हाँ बात ही नहीं की मुझसे, बोलता ही नहीं है मैम कुछ। अच्छा, हाँ उससे बात करो वो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, दानिश बुला लो, आ जाओ। कुछ न बोलने वाले आविर्भाव क्या संगीत की भाषा बोल पाएंगे और बनेंगे संगीत की धरोहर? हेलो, हाय, कितने क्यूट हो, कितने छोटे से हो। थैंक यू। आविर्भाव मुझे एक बात बताइए, आप दानिश भैया से बात क्यों नहीं कर रहे थे? मैं क्या बोल रहा है? टैलेंट मिला लेकिन दानिश को मिला। अगर मैं होता मैं तो भाई साहब बात ही नहीं कर पाता। तो हाँ यार, इंग्लिश में बात करो यार, टॉक टू इंग्लिश। लुक हूज टॉकिंग। अच्छा ठीक है। आविर्भाव, व्हाट आर यू गोइंग टू सिंग? चाहूंगा मैं तुझे। Oh, wow. तो आप गालोगे हिंदी में? Yes. Yes? Wow. Very, very excited. Give him a big round of applause, everybody. Thank you. Jump.
नेहा मैम कैसा लगा आपको मेरा आविर्भाव? दानिश व्हाट अ फाइंड, व्हाट अ फाइंड, ओह माय गॉड, क्या बात है. थैंक यू, यू आर अमेजिंग. डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ आया? फर्स्ट स्टैंडर्ड. फर्स्ट स्टैंडर्ड, ओले बाबा. आप देख रहे हो इस बच्चे को इंग्लिश उतनी नहीं समझ आती, हिंदी नहीं समझ आती. वो सिर्फ 7 साल का है, उसको अभी दुनिया ही नहीं समझ आती होगी. थैंक यू. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर सिलेक्टेड. मुझे बस सलमान बहुत चिढ़ाता ना मुझको, तो मुझे इसकी बोलती बंद करनी थी मैम. वाकई में मैं सच बता रहा हूँ, देखो अगर ऐसा टैलेंट लाएगा तो वाकई में मेरी बोलती बंद हो जाएगी. दानिश और सलमान का रिश्ता तो क्लियर है, दे आर जस्ट बेस्ट एनिमीज. पर हमारे शो के जो जस्ट फ्रेंड्स हैं पवन अरुणिता, वो कितने जस्ट फ्रेंड्स हैं वो तो टैलेंट की खोज में सामने आ ही जाएगा. पिछली बार का सुपरस्टार सिंगर जो है बहुत ही कमाल था. और कमाल क्यों था? क्यों था कमाल? मेरा टीम जीता था पिछली बार. अरे मुझे कहीं जाना है, थोड़ा एक मेरी जैमिंग है. मुझे भी कहीं जाना है. चलो दादा खारगढ़ चलो. अरे यार इसको भी अभी गर्म होना था क्या? आपको ना गराज ढूंढने की जरूरत है, मैं तो टैलेंट ढूंढने जा रही हूँ. दादा खारगढ़ जाओगे? बैंड्रा तक ही ले चलो. चलो दादा जल्दी जल्दी चलो, थोड़ा थोड़ा जल्दी चलो जितना जल्दी हो सके. वो हमसे पहले पहुंच गई तो उसको टैलेंट सारा मिल जाना है. एक घंटा 15 मिनट दिखा रहा है. दादा थोड़ा सा जल्दी चलिए ना प्लीज, कैप्टन पवन जी आगे चले गए, प्लीज जल्दी चलो ना. क्या हुआ दादा? यार आज किस्मत ही खराब लग रहा है. चलो अथर्व, मैंने ना आपका वीडियो देखा था और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी आपकी वीडियो देख के. जिनके टैलेंट ने पवन अरुणिता में डाली दरार, क्या वो उसी टैलेंट से बन पाएंगे देश का प्यार? हेलो. हेलो. हाय मैम. नमस्ते. क्या नाम है आपका? मेरा नाम अथर्व बख्शी है. आप सिंगिंग के अलावा और भी चीजें करते हैं? मैं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ ऐसे ही. इंस्ट्रूमेंट्स? अरे वाह. अरुणा इंस्ट्रूमेंट्स वाले ढूंढ ही लेती है. आप हर चीज में परफेक्ट है, राइट? पता नहीं, सबको मुझे यही बोलता है कि मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, मैं सबकी बातें सुनता हूँ. तो आप टीचर्स के फेवरेट होंगे हैं? सारी टीचर्स मुझे बहुत पसंद करती हैं. देखो पेरेंट्स के भी बिल्कुल फेवरेट हो गए. हाँ सारे जो बड़े लोग हैं उनके तो मैं फेवरेट हूँ. तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से हम बच्चों को डांट पड़ती है. हम मस्ती में बिजी होता है पर अथर्व सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है, उसके वजह से हमें डांट पड़ती है क्योंकि वो शांत रहता है और हम चिल्लाते रहते हैं. वो जल्दी घर जाता है तो मम्मी हमको बोलती है कि आप क्यों नहीं जल्दी आते, उसका एग्जांपल देखे. फिर हम फुकट की डांट खा लेते हैं. इसके जैसे बनो, इसके जैसे बनो. हमने क्या किया है भैया, हमारी क्या गलती है? जो मेरे एज के वो लोग मुझसे बहुत चिढ़ते हैं. यही बात कर रही थी मैं, यही बोल रही थी. अथर्व आप आज क्या गाने वाले हो? ओ सैया सुनाने वाले. वाह माय गॉड. चलो शुरू करते हैं. स्केल चेक करना है तो करो. 144.
कौन सा स्केल है? टेम्पो बता रहा हूँ। दानिश दानिश सोच रहा है कि ये कौन सा स्केल है? कौन सा स्केल है? अरे भाई 144 फिर तो सही में मम्मी पापा को तुम्हें मारना चाहिए। मम्मी पापा सही मारते हैं तुम्हें। ऑब्वियसली टेम्पो होगा ना, और क्या होगा? सारे कैप्टन्स ने मोहर ऑलरेडी लगा दी थी, बिकॉज कोई डाउट ही नहीं था। बट जहाँ से क्रॉस लाइन आई और वहाँ से जो गूज़बम्स आना शुरू हुए, मेरे कानों तक गूज़बम्स आ गए। इतना अमेजिंग गाना, इतना डीप गाना, और ऑडिशन में इतना डिफिकल्ट गाना चूज करना और उसको इतने अच्छे से निभाना, वाओ 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 वाओ। आप आ रहे हैं नेक्स्ट राउंड में। उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो।
अरुणिता को तो अथर्व अपने मुंबई वाले घर के नजदीक ही मिल गया, लेकिन बाकी कैप्टन्स ने भी म्यूजिक की धरोहर को ढूंढने के लिए इंडिया का चप्पा चप्पा छान मारा। अगला कंटेस्टेंट मैं लेकर आया हूँ, मैं भोपाल से लेकर आया हूँ। अगला कंटेस्टेंट जो मैं ढूंढ के लाई हूँ, वेस्ट बंगाल से। मैं लेके आया हूँ गुरुग्राम से। मैं पंजाब गई थी तो वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिला। जब ये चारों इंडिया में घूम रहे थे ना, हाँ। मैं विदेश गया हूँ। ओह माय गॉड, और पहला इंटरनेशनल कंटेस्टेंट लेके आया हूँ। तुमसे यही उम्मीद थी दानिश। कैप्टन्स पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास बजट है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सो आज हम लोग आए हुए हैं दुबई। मुंडा थकदा नहीं कर कर के तेरी तारीफा, जिक्र दा दिला दूं तन्नु बुर्ज खलीफा, तन्नु बुर्ज खलीफा। दुबई में घूमते घूमते दानिश को मिला एक इंटरनेशनल टैलेंट। सबको मेरा प्रणाम। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके सामने आई और अपना गाना प्रस्तुत कर पाऊंगी। आपकी हिंदी तो बहुत ही अच्छी है, मतलब हम लोगों से ज्यादा अच्छी है आपकी हिंदी। आप इतने शुद्ध हिंदी के शब्द यूज कर रही हैं। वो क्या है कि सारे डिवोशनल माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखी मैंने, अपनी हिंदी इतनी अच्छी बनाई है। कैसा लग रहा है इंडिया आके वापस? मुझे इंडिया आकर कोई भी डिफरेंस नहीं लगता है मैम, क्योंकि यहाँ का ये मेरी ही भूमि लगती है। इंडिया मुझसे बहुत कनेक्टेड है और इंडिया मेरी हृदय में बसती है। तो यहाँ पर तो हमारे दुख खुशी सब कुछ बांटने के लिए लोग होते हैं, पर विदेश में तो सब लोग इंडिविजुअली रहते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बाहर वाले कुछ लोग हैं उनकी तरह आप सिर्फ मिनरल वाटर बॉटल एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा कुछ है? नो मैम, वैसे तो नहीं है, क्योंकि पानी पूरी स्ट्रीट फूड ही मेरी फूड है। घर का पानी तो अच्छा ही होता है, मैं वैसे स्पेसिफिक नहीं करती। क्या बात है, बहुत अच्छे संस्कार आप ले भी रही हैं और आपको मिल रहे हैं अपनी फैमिली से। आप क्या गाने वाली हैं? कहना ही क्या। वाओ, इस गाने के लिए तालियां। अच्छे से गाओ, डिफिकल्ट भी है। थैंक यू मैम। ऑल माय बेस्ट विशेस विद यू। मैम प्लीज आए अपनी वैष्णवी के पास। ओ माई गॉड, यू आर अमेजिंग, यू आर फिनोमिनल, क्या बात है। वाओ, सिर्फ 11 साल की लड़की ने ऐसा गाया है लाइक अ ग्रोन अप। आपने एक एक चीज इतना अच्छे से ली है और इतना ठहराव से। मैं बस खड़े होकर आपको दानिश, क्या ले
Thank you so much, ma'am. Wow, Vaishnavi, you're amazing. Thank you so much, ma'am. मैं चाहूंगी, God bless you. This is all yours. म्यूजिक की धरोहर की तलाश में जहां हमारे कैप्टन्स इंटरनेशनल ट्रिप तक चले गए, वहीं वो उन्हें स्टेज में बुलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आने वाले हैं, इनके बारे में एक खास बात है कि वो नेक्स्ट है। आ जाओ। क्या चीज हो यार, क्या गिटार प्ले किया आपने। थैंक यू सर। मुझे वो पीस सीखना है पीछे से। मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। कौन आने वाला है? हाँ जी, उनके बारे में एक खास बात है, वो चल के आने वाले हैं। माइक चेक, बोले क्या बोल रहा है सुपरस्टार सिंगर्स, क्या बोल रहे हैं कैप्टन, अरे तो कुछ करते हैं यार अपने पब्लिक के लिए, करते ना अपने ऑडियंस के लिए, भाई हाँ अपने नया मैम के लिए एकदम अच्छा। वो नीचे तेरे गली से पर वो मेरी गली में, वो मेरी गली में, गली 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 में, वो मेरी गली में, गली 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 में, वो तेरे सितारों का पास मेरी गली में, और पूरे शहर की आवाज मेरी गली में। Joyna, you're a born rapper. I can see this clip going viral all over the world. किसी को ऐसा करते हुए जो आपने किया है। कौन लेकर आ रहा है? मैम, अगला जो कंटेस्टेंट है वो मैं बुलाने जा रहा हूँ। लवली। मेरी शुरुआत जो है म्यूजिक की, वो तबले से हुई है मैम। 2.5 साल की उम्र में बजा दिया था तबला पहली बार। बट सिंगर बाद में बना। बट ऐसा ही एक बच्चा मैंने वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से ढूंढा है मैम, वो तबला प्लेयर है पहले फिर सिंगर है, इसलिए मैं अपने तबले की बात बता रहा हूँ। जी जी, फिर सिंगर है। जी जी। ओह माय गॉड, वाओ। तो मैं चाहूंगा एक बार आप उनसे बात करें। हाँ जी जरूर, आ जाइए। शुभ सुरताल का महारथी क्या सुरों का परचम लहरा पाएगा? हेलो। हेलो मैम। हेलो। आपकी सिस्टर जो है उनका नाम क्या नहीं है? नहीं मैम, ये मेरी मम्मी है। अरे व्हाट, बहन जैसी मम्मी जी, आपका नाम क्या है? मानवी सूत्रधर। ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि आप कुछ तबला लेकर ऐसा कुछ आएंगे, पर आप गिटार लेकर आए हैं। आज तो मैं गिटार से परफॉर्म करूंगा। अच्छा। पर तबला मैं तभी टच करूंगा अगर मैं आज सिलेक्ट होता हूँ तो। व्हाट, तू गाने के बारे में कैसे बोल सकता है? तो ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत बुरी लगी ये चीज़। तो उसके बाद से मैंने ठान लिया कि सिंगिंग के साथ मैं इंस्ट्रूमेंट्स को लेके आगे बढ़ूंगा, कि फ्यूचर में मुझे कोई ना बोल सके कि तुझे म्यूजिक के फील्ड में ये नहीं आता वो नहीं आता। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, पूरे दुनिया को, कि एक म्यूजिशियन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक गाने के लिए। एक तो मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद है जो चैलेंज लेकर चीजें करते हैं। मुझे भी पसंद है, मुझे चैलेंजेस लेना भी पसंद है। आई लव दैट, मैं भी वैसी हूँ। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की, आपको सुनने की,
कि आप कैसा गाते हैं, कैसा साउंड करते हैं. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. कमाल गा दो. वे कमले आ, वे कमले आ, वे कमले आ, मेरे नादान दिल. वे कमले आ, वे कमले आ, वे कमले आ, मेरे नादान दिल. दो नैनों के पेचीदा सौ गलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ. तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ. मर्जी तेरी जी भर ले आ, वे कम ले आ, मेरे नादान दिल. वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले आ, मेरे नादान दिल. जा करना है तो प्यार कर, जिद पूरे फिर एक बार कर. कम ले आ, वे कम ले आ, मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर. कम ले आ, वे कम ले. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Okay, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं चाहूँगी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन्स, अपनी आंखें बंद कीजिए सब लोग. और जो लोग हमें देख भी रहे हैं अपने अपने घरों में, सब अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ पियानो एंड शुभ सिंगिंग. वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले आ, मेरे नादान दिल. तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ. गल सुन ले आ, वे कम ले आ, मेरे नादान दिल. वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले आ, मेरे नादान दिल. थैंक यू सो मच. And everybody else presenting you Shubh, everybody. Shukriya, gokaron ka shukriya. Ab aap karta cruise meri zameen chhote shoes urta ai ai ai. Mere saath yahan kuch aise bacche hain jinke doodh ke daant bhi nahi toote hain. और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ट्यूशन टीचर की चेयर के नीचे सुतली बम फोड़ते हैं. ये वाला होगा. अच्छे नहीं है, तूफान है तूफान. और सच कहूं खालिस टैलेंट की खदान है ये.
ऐसे ही 15 तूफानों की तलाश शुरू होती है आज से इस उम्र में इसी मौज मस्ती और बदमाशी भरी तलाश को एक्सपीरियंस और एंजॉय करने के लिए वेलकम टू सुपरस्टार सिंगर सीजन 3। जहां इन क्यूट शैतानों ने तो हर्ष की नाक में दम कर दिया, पर हमारी आने वाली कंटेस्टेंट की क्यूटनेस को देख हमारी सुपर जज नेहा के तो होश ही उड़ गए। पर क्या वो अपने सरों से भी सबके होश उड़ाएंगी? अरे भैया, इतनी क्यूटनेस क्यों लेके आ रहे हो बैक टू बैक? क्यूट 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 एक फूल तू, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं खुशी से। ओली बाबा, क्या नाम है आपका? दिया हेगड़े। योर स्माइल टच वुड ब्यूटिफुल। थैंक यू मैम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाबू आपको सुनने के लिए। व्हाट आर यू गोइंग टू सिंग? कई के पान बनारस वाला। कई के पान, अरे बाबा, जिस तरह से उसने बोला ना, कई के पान बनारस वाला, ओ वाओ। चलो हम आपको और इंतजार नहीं कराएंगे, प्लीज आप शुरू हो जाइए, सुर ले लीजिए एंड यू कैन स्टार्ट। हाँ, ओके जी। अरे बाप रे, कितनी प्यारी है। थैंक यू। अरे भंग का रंग जमा हो चका चका, बिरला पान जवा, आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो कई के पान बनारस वाला। Thank you, ma'am.
प्यारी होने के साथ साथ बहुत क्यूटनेस है आपकी आवाज में. थैंक यू. ऑफ कोर्स आपको ट्रेनिंग की जरूरत है. आई फील कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आप अच्छा कर सकती हैं, और मुझे लगता है हमारे कैप्टन्स हैं यहाँ पे आपको अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए. ये गाना ना बहुत डिफिकल्ट है. आज मे बी ऑडिशन है, शी वाज सुपर एक्साइटेड, इसीलिए वो एक्साइटमेंट में बहुत गया. साइली, आई थिंक नेक्स्ट राउंड में आपको सिखाना चाहिए, आपको मेंटर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उसमें पोटेंशियल है. फॉर दिस राउंड यू आर सिलेक्टेड. थैंक यू सो मच. मैम, जो अगला बच्चा है मैं चाहूंगा कि मैं जाके खुद उसको लेकर आऊं. ओके. हेलो सर, आप चंडीगढ़ से आई हैं तो मैं कहूंगी सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. किद्दा? मैं बढ़िया, तुसी किद्दा? आपके पापा हैं वो? हाँ जी, पापा. मेरे पापा. उनके भी लगा है कैसे? मेरा नाम राजू राय है, मैं लेजल के साथ आया हूँ. लेजल मेरी बेटी है. जब मैं 14-15 साल का था तब मैंने ऑडिशन दिया था, इंडियन आइडल की फर्स्ट ऑडिशन दिया था, जिसमें अभिजीत सावंत विनर हुए थे. तब से लेके मैंने काफ़ी आगे तक मैंने ऑडिशन दिया है, लेकिन मेरी कहीं पे भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई. उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया मैं. लेजल होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे को जितने भी मेरे को संगीत है ज्ञान, मैं सब लेजल को ही दूंगा. आज तक जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, बच्चे का नाम है तो उनके पापा का नाम नहीं है. सचिन तेंदुलकर ले लो, धोनी जी ले लो, है ना, कपिल शर्मा ले लो, जितने भी सक्सेसफुल हैं उनके ना उनके उनके पेरेंट्स का इतना बड़ा नाम नहीं हो पाया. तो ऐसे ही मैं ये सोचता हूँ कि मेरे हिस्से की खुशी, मेरे हिस्से की संगीत भी लेजल को मिले और इसका नाम है. आप सामने बैठिए, लेजल को आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं. आप अपना सपना पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखिए, कानों से सुनिए. आइए बैठिए, सुनते हैं लेजल को. थैंक यू मैम. थैंक यू. देयर यू गो. हमारी सुपर जज नेहा की झप्पी के लिए तो बच्चे उतावले हो रहे हैं, पर बाहर हमारे एक कंटेस्टेंट की झप्पी से सब भाग रहे हैं. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा है, क्या हुआ? अरे हम लोगों को हक कर रहे हैं. कहाँ किए? कैसे हक कर रहा है भाई? ये तो नॉर्मल बच्चा है, अच्छा बच्चा है. कैसे करता है दिखा, मुझे दिखाओ. आप लोग खेलो बच्चों, में आया. हड्डी तोड़ झप्पी देने वाले राजदीप क्या दे पाएंगे रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस? तो मैम, जैसे मैंने बोला था कि ये एकदम झप्पी पाके स्ट्रेस गुल कर देता है, तो सलमान भाई आप एक बार झप्पी पा दोगे? बिल्कुल, मुझे जरूरत भी है, क्योंकि आप थोड़े थके हुए लग रहे हो ना एकदम. मुझे जरूरत भी है झप्पी की. बहुत स्ट्रेस लग रहा है सलमान. क्या गाएंगे आप? हम गाएंगे हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले. चलो फिर, हो जाए हो जाए. ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, जे हंगामा कहाँ भाग रहे तुम्हें? क्या हुआ काले से डर गए क्या?
हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले आए, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले आए, हम तेरे 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 जान वाले आए, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले आए, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले आए, हम तेरे 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 जान वाले आए, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले आए। Welcome back to Superstar Singer 3. Next, मैं बुला रहा हूँ मैम। हाँ जी जरूर। Next contestant जो आ रही है, मैं बस इतना कहूँगा मैम कि उस बच्ची के आगे डॉक्टर लगाना जरूरी है सिर्फ। अच्छा। तो आ जाओ हमारे डॉक्टर। खूबसूरती पर PhD करने वाली सोहिनी क्या खूबसूरत गाकर जीतेंगी देश का दिल? हेलो हाय मैम, हाय सर। हेलो, ऐसा लगा कोई रैंप शो पे वॉक करके आई है सुपर मॉडल। हाँ, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोहिनी दास मैम। आप किस चीज की डॉक्टर हैं? मैम स्किन केयर की, हेयर केयर की, फिर मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। ओह माय गॉड, मुझे कोई टिप देंगी क्या? मेरे यहाँ पे चिन पे एक नया पिंपल आ खड़ा हुआ है। हाँ हाँ मैम, इसलिए आपको एक टिप दे रही हूँ मैं, इससे पिंपल बिल्कुल गायब हो जाएगा आपका। ओह वाओ, सीरियसली बताओ ना। हाँ मैम। क्या गाने वाले हो आप? मैं गुरु मूवी का मैया मैया गाने वाली हूँ। अच्छा, सुपर्ब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। एक साधा रात का, एक काली चांद की, चाहे तू चूम ले तू काली चांद की। एक साधा रात का, एक काली चांद की, चाहे तू चूम ले तू काली चांद की। एक छांद की कश्ती में चल पार उतरना है, तू हल्के हल्के कहना दरिया ना झलके। कैप्टन्स ने आपको मोहर लगा दी है आपकी सिंगिंग पर, और आपको मिलता है और अब सुनते हैं राजदीप को, जिन्हें थोड़ी देर पहले ही हमारी सुपर जज नेहा ने दिया एक और मौका। राजदीप, मुझे कुछ 3-4 लाइनें कोई और गाने की अगर मैं आपसे सुन सकूं तो। राजदीप रेडी? यस सर। 3, 2, 1 साउंड। जाए अभी जाए के बाद आ रहा है
अपने दूसरे गाने से राजदीप ने जीता हमारी सुपर जज नेहा कद्दर। और इसी के साथ खत्म हुआ सुपरस्टार सिंगर का ऑडिशन राउंड, और अब अगले हफ्ते होगा फाइनल ऑडिशन राउंड। I want to hear you more. Thank you, man. Patta patta, bhuta bhuta. यहाँ से यहाँ तक, मतलब head to toe, हम डूब गए हैं आपकी singing में. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.